Good evening, friends. Welcome back to my channel, Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So, आज ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत लेट कर रहा हूँ, कारण सब जानते ही होंगे इंडिया पाक ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था और मैं भी वो मैच को एंजॉय कर रहा था और फाइनली अब सोने से पहले मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था, सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो क्विकली डिस्कस करते हैं, वीडियो को जितना हो सके उतना छोटा रखते हैं, लेवल्स डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है। तो देखो, हमने मैंने वीडियो नहीं बनाई थी थर्सडे नाइट को, बट फ्राइडे के लिए मैंने मैसेज किया था, फ्राइडे के लिए नहीं, सॉरी, वेनसडे को मैंने वीडियो नहीं बनाया था और थर्सडे को मैंने एक मैसेज करी थी मॉर्निंग में, ये बोल के कि निफ्टी जो है 19850 इस एरिया से फॉल करेगा, और मैंने बैंक निफ्टी के लिए कहा था कि 44500 से लेके 700 के बीच में। तो उस दिन वो 500-700 के पास तो जा नहीं पाया, बट निफ्टी ने जैसे ही अपनी रिवर्सल शुरू कर दी थी तो वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी मेरी एक रेजिस्टेंस से जो है उसने एक फॉल करी। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक शार्प फॉल आया था, ये लगभग 400 से ही आ गया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी थी। और निफ्टी हालांकि बहुत सही प्लेस से 850 से जो है उसने अपनी फॉल करी। तो अभी आगे क्या करना है, तो ये ना एक इम्पोर्टेंट एरिया से दोनों भी गिरे हैं, और प्राइस एक्शन अगर फ्राइडे का देखते हैं निफ्टी के लिए तो वो बैंक निफ्टी से थोड़ा ठीक ठाक था, बुलिश नहीं बोलूँगा बट फिर भी ठीक था, बेटर देन बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो थोड़ा सा लोअर साइड में ही ट्रेड कर रहा था क्योंकि पूरा दिन स्मार्ट मनी जो है बैंक निफ्टी में बेरिश दिखा रहे थे। तो अभी आगे कल क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट डेटा देखते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा देखेंगे तो FII ने 5141 फ्यूचर लॉन्ग को क्लोज किए और शॉर्ट 4195 ऐड किए हैं। ऑप्शंस देखेंगे तो कॉल शॉर्ट FII और प्रो दोनों ने मिलके भरपूर किए हैं, और FII ने पुट शॉर्ट भी कर रखा है जो प्रो ने नहीं किया, प्रो का पुट लॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि कल अगर कुछ अच्छा बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी भी दिखा सकता है, ये डेटा बताता है। स्मार्ट मनी का डेटा देखेंगे, मोर देन 78% बेरिश है। तो कल अगर हम फ्लैट खुलते हैं या स्लाइटली गैप अप खुलते हैं तो थोड़ा सा वेट करना है सेलिंग के लिए। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है या थोड़ा सा गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो दोनों ही केस में हम रिवर्सल देख के पुट ही बाय करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है तो अपसाइड की थोड़ी रिवर्सल की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो अभी पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं लेवल्स। तो कल अगर समझो कि इस एरिया में खुलता है फ्लैट, खुल के अगर बाई चांस 43770 के आसपास अगर जाता हुआ दिखाई दे तो इस एरिया में हमें पुट ही लेना है, एक अच्छी फॉल जो है डे लो तक देखने मिलेगा, और फर्दर ब्रेक डाउन अगर हुआ तो नेक्स्ट टारगेट है इसकी अराउंड इस प्लेस पे जो कि है 43300 पे। ठीक है, तो और उसके बाद अगर फर्दर फॉल हुआ तो यहाँ पे जो गैप है 43000 के आसपास वो हम फिल कर सकते हैं, बट इतने फॉल के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, उसी पे ध्यान रखना ऑप्शन चेन में कि वॉल्यूम आता है या नहीं आता है। अगर आप फ्राइडे के दिन पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में करीब 42 लाख की वॉल्यूम थी, बट बीच में थोड़ी हाई भी थी इसके लिए नहीं, वो 1 करोड़ वॉल्यूम के ऊपर जब जाता है तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, बट पूरे दिन में वो 1 करोड़ के आसपास भी नहीं गया, एक 20 लाख से लेके एक 50 लाख के रेंज में बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहा था।
ठीक है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम पे ध्यान देना है, कल अगर थोड़ी सी स्लाइड गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पुट सोचना है बैंक निफ्टी में। कॉल की बात करें तो कॉल जैसे मैंने बोला कि गैप डाउन अगर समझो डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पे खुलता है 43,300 के आसपास, तो यहाँ से हम देखेंगे कोई रिवर्सल दिखता है या ये पुल बैक लेना चालू करता है तो हम एक कॉल की ट्रेड लेंगे ऊपर की 43,500 तक। वैसे अगर निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में एक्चुअली फॉल जो है वो 19,627 के ब्रेक होने के बाद ही आएगा। अगर ये डायरेक्टली समझो कि 19,627, 650, 640 ऐसे लेवल पे खुलता है तो यहाँ पे एक बार कॉल लेना बनता है, क्योंकि इमीडिएट रिकवरी जो है 19,760 तक आ सकता है। तो निफ्टी में गैप डाउन खुल के यहाँ पे कॉल, बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया, दोनों को सिर्फ थोड़ा सा मैच करना है कि दोनों अपने सपोर्ट के आसपास खुल रहे कि नहीं, उस बेस पे आप कॉल ले सकते हैं। और सिमिलरली अगर निफ्टी थोड़ी सी गैप अप खुलती है और 800-820 के आसपास जाता है तो आप बैंक निफ्टी में आपको पुट लेना है। निफ्टी में लेना है तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे जाने के बाद ही हम ले सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी किया करें कि कुछ डाउट है, अगर मेरे कुछ एनालिसिस में आपको लगता है कि आपके व्यू के साथ चेंज हो रहा है तो आप क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।